और यदि ये ईवीएम से भी चुनाव कराना चाहते हैं तो वीवीपैट की बराबर पर्ची हर व्यक्ति को एंड टू एंड मिलनी चाहिए कि मैंने इसके ऊपर वोट डाली है, वो निकलनी चाहिए। यदि वो ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं तो जो इनके पास में सिंबल है पार्टियों के, वो सिंबल हटवा दीजिए। हर व्यक्ति को जो भी चुनाव लड़ेगा वो नया सिंबल दे दीजिए, और जब पता चलेगा कि किसने वर्क किया समाज में, कौन समाज का हितैषी है, तो लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा। संविधान को जो है अलमारी में रखा हुआ है, और भारतीय संविधान के जो निर्माता है बाबा साहब की केवल एक मूर्ति दिखाने के लिए या उनके नारे दिखाने के लिए लगे हैं और कुछ नहीं है। जब महमूद गजनवी ने कहा कि ये पाखंडवाद जब ऐसे चिपकी हुई है, ये चुंबक के जरिए से रुकी हुई है, हमारे जो देश के मूल निवासी हैं इनको तुम मूर्ख बना रहे हो, जनता को मूर्ख बना रहे हो, सच पे क्यों नहीं आते हो, तो सच पे आकर के उन्होंने जो एक पिलर तोड़ा तो वो तब मूर्ति उनके कदमों में आकर गिर गई। गर्भ गृह होता है, वहाँ से बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को निकाला और जितना भी सोना चांदी था जब उसको लेकर के वो गए थे। ये लुटेरा बतलाते हैं, वो लुटेरा नहीं, एक बहन बेटियों की इज्जत बचाने वाला इस्लाम मजहब का सिपाही थे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। जिस तरीके से पांच राज्यों का रुझान आया और उसके बाद से ईवीएम बदनाम होना शुरू हो गया है, ईवीएम पर निशाना साधा जा रहा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए तो बीजेपी 40 सीटें भी नहीं ला पाएगी, इस तरीके की बयानबाजी के बाद बात करना ज़रूरी हो जाता है। क्या कहेंगे, जिस तरीके जब भी चुनाव हार जाती है विपक्ष या बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम बुरा हो जाता है, बाकी राज्यों में भी तो जीतते हैं ना, तो फिर ईवीएम से ही होता है, तो क्यों बदनाम नहीं होता ईवीएम? देखिए, ईवीएम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो लिखतम नहीं है, वो बख्तम है। जो कहोगे या जो लिखोगे वो उस पर आएगा, और हम कहते हैं कि लिखतम होना चाहिए। यदि आपके साथ में कुछ चीज़ लिखी गई, इसे 100 साल के बाद भी उठाओगे यही मिलेगा, और यदि आप डिजिटल से यानी कैमरे से कोई चीज़ दिखाओगे उसे जब चाहो मर्जी किधर को भी मोड़ दो, उसमें चाहे ऐड कर दो या मिटा दो। दूसरा, हम लोग जो है, मैं राजुद्दीन गादरे, बहुजन मुक्ति पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता, और भारतीय पसमांदा यानी मजलूम जो समाज है, हम लोग उसके हक अधिकार की बात करते हैं, हम उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो भारतीय मूल निवासी संस्था है, संगठन है, पूरा देश है उसका, लेकिन एक कुछ ही तुच्छ परसेंट के लोग जो कह सकते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था, तानाशाही, पूंजीवादी, या फिर कह सकते हैं कि उसको जो पहले से हमारे देश में व्यवस्था चल रही थी, सबसे पहले हमें वहां आना पड़ेगा कि हमारे देश पे ये आघात किस लिए किया जा रहा है और इसकी काट कैसे होगी। हम लोग वहां की नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं कि बस अभी चुनाव आया और चुनाव लड़ जाए। अभी कहते हो आप, अभी कह रही हो ईवीएम की बात, ईवीएम को तो पहले से हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं। जिस देश ने इसका आविष्कार किया, जिसने इसको बनाया है, वहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, लेकिन हमारे देश में एक व्यवस्था ऐसी पनपा दी लोगों में, विचारधारा जिसको कहते हैं, और वो उस बचपने पर जाकर के आघात करके जनता से जुड़ करके उनको अपना एक पेड़ और पौधा बना दिया। उन्होंने बीज बोया हिंदू हिंदुत्व का, और वो उसको काटने के लिए स्कूल कॉलेज बनाए और गुरुकुल बनाए, और वो उसके ऊपर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जो हमारा बहुजन समाज है 85% 90% होते हुए वो उसके ऊपर नहीं कोशिश कर रहा। अभी आप देखिए, रामलीला मैदान है ये दिल्ली का, अभी कुछ दिन पहले यहाँ हवन हुआ तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, और यहाँ आज भारतीय संविधान निर्माता कह सकते नहीं हैं, और जो कह सकते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज, जिसको पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डिग्रियां हासिल करी, एजुकेशन पाई, उसके नाम पर, उनके परिनिर्वाण दिवस पर आज देखे जनता कहाँ है। केवल दो रोटी खाने के चक्कर में, अपने कमाने खाने के चक्कर में लगी हुई है, वो बाबा साहब के जो उन्होंने कुर्बानियां दी उसको भूल गई कि उन्होंने अपने बच्चों तक को मरते हुए छोड़ करके चले गए केवल हम लोगों के लिए कि हमारी आने वाली नस्लें कमज़ोर ना हो जाएं।
वो बेकार बहुजन ही पिछड़ा हुआ है, बहुजन ही नहीं समझ रहा है तो उसमें दूसरा कोई क्या करेगा। तो मैं वही बतला रहा हूँ कि बहुजन इसीलिए नहीं समझ रहा है, जो दुश्मन है वो पाखंडवाद की राजनीति चल रहा है और वो व्यवस्था कायम की है, तो बहुजनों को भी उस तरतीब पे आना पड़ेगा, वो पाखंडवाद में घुस करके अपनी विचारधारा डालनी पड़ेगी, बात रखनी पड़ेगी। अभी आप विचारधारा पर यदि काम करेंगे, अभी इनके जो अभी वर्तमान सरकार है इनके तीन मुद्दे हटवा दीजिए, ईवीएम हटवा दीजिए, मुझे बतलाइए, इनके यहाँ से पाकिस्तान का नाम जबान से हटवा दीजिए तब मुझे बतलाइए, इनकी जबान से मुस्लिमों का नाम हटवा दीजिए तब मुझे बतलाइए, इनके पास क्या मुद्दे हैं और देश को कैसे गुमराह करेंगे। केवल ये तीन मुद्दे हैं, और यदि ये ईवीएम से भी चुनाव कराना चाहते हैं तो वीवीपैट की बराबर पर्ची हर व्यक्ति को एंड टू एंड मिलनी चाहिए कि मैंने इसके ऊपर वोट डाली है, वो निकलनी चाहिए। यदि वो ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं तो जो इनके पास में सिंबल है पार्टियों के, वो सिंबल हटवा दीजिए। आज जैसे एक निर्दलीय प्रत्याशी को टिकट मिलता है, चुनाव चिन्ह मिलता है, हर व्यक्ति को जो भी चुनाव लड़ेगा वो नया सिंबल दे दीजिए, और जब पता चलेगा कि किसने वर्क किया समाज में, कौन समाज का हितेशी है, तो लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा। लेकिन आज पूरी जो हमारे लोकतंत्र है उसके चार पिलर हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, चारों ही इन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है। और जो मीडिया, आप जैसे साथी हैं, अभी कहीं आवाज़ उठा दो तो आप लोगों को बंद कर दिया जाएगा, जेलों में डाल दिया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, मीडिया अगर उग्रवादी हो जाएगा, उग्रवाद का समर्थन करेगा तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। मैडम देखिए, उग्रवादी की बात नहीं है, देश हित की, देश प्रेमी की, देश के हित को, हितों की बात करनी पड़ेगी, लोकतंत्र की बात। यानी जो आज लोकतंत्र की बात करता है उसको आज जेलों में डाल दिया जाता है, यानी समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की जो बात कर रहा है। तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप, कहाँ, तो आप तो बाहर हैं, आज़ाद हैं। मैं बाहर हूँ लेकिन मुझे हर वक्त खतरा लगा रहता है, कौन कहाँ मुझे। अभी पीछे भी हमने इसमें जंतर मंतर पे, आप भी थे, आपका चैनल भी था, आवाज़ उठाई थी और उन्होंने 10 करोड़ रुपये और हिंदू हिंदुत्व की बात उठाई और वो मुद्दा लगाया बहुत बड़ा, 10 करोड़ रुपये कहाँ से देंगे उनके। हमने जब पूछा तो वो हमारे ऊपर आक्रामक हो गए और बल्कि पुलिस फोर्स भी आ गई, मेरे घर तक भी पुलिस फोर्स पहुँच गई जांच करने तक के लिए। आपको नहीं पता मैं कैसे, किस तरीके से हम लोग घर घर जा करके लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। ये बोधमय भारत है, यहाँ समता, समानता, न्याय, बंधुता की बात चलती है, जो भारतीय संविधान में है, सबको हक अधिकार है। भारत तो सेक्युलर है ना। अरे मैडम, ये सेक्युलर कहने के लिए है, जो संविधान है वो संविधान लागू ही नहीं है, संविधान को जो है अलमारी में रखा हुआ है। और भारतीय संविधान के जो निर्माता है बाबा साहब की केवल एक मूर्ति दिखाने के लिए या उनके नारे दिखाने के लिए लगे हैं और कुछ नहीं है। ये बहुजन समाज को ही पाखंडवाद में, मैंने अभी बतलाया कि यहीं अभी कुछ दिन पहले झंडे देख लीजिए और वो देख लीजिए, इन्होंने जो हवन किया था और वो पाखंडवाद किया था। और वो हवन मैं उसकी याद दिला देना चाहता हूँ, जब रहमतुल्ला अलैही महमूद गजनवी एक बहन बेटी की आवाज उठाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए यहाँ आए थे, और जब वो इस देश में उन्होंने आकर के बातचीत की थी तब उसमें बतलाइए कि ये भी हवन कुंडली लेकर करके बैठे थे, पाखंडवाद मचा रहे थे, सारी जनता का पैसा, सारा जेवरात इकट्ठा कर लिया था और महमूद गजनवी वहाँ सोमनाथ के मंदिर आ गए थे केवल मानवता के लिए, एक बहन की इज्जत बचाने के लिए, जो उन्होंने उनके बीच में, जो उनके कब्जे में एक कह सकते हैं सैनिक आ गया था, उस सैनिक की वो बहन को बचाने के लिए जब वहाँ पहुँचे और वो देखा कि पाखंडवाद के लिए से एक चुंबकीय उन्होंने एक मूर्ति लगाई और कहा कि ये जेवरात कहाँ से आया, तो उन पाखंडियों ने कह दिया कि जेवरात तो भगवान की कृपा से आया। तो उन्होंने जब महमूद गजनवी ने कहा कि ये पाखंडवाद जब ऐसे चिपकी हुई है, ये चुंबक के जरिए से रुकी हुई है, हमारे जो देश के मूल निवासी हैं इनको तुम मूर्ख बना रहे हो, जनता को मूर्ख बना रहे हो, सच पे क्यों नहीं आते हो। तो सच पे आकर के उन्होंने जो एक पिलर तोड़ा तो वो तब मूर्ति उनके कदमों में आकर गिर गई। और जब जा करके उन्होंने कहा, जो मंदिर के नीचे एक
गर्भस्थ गर्भगृह होता है वहाँ से बहुत सारी महिलाओं को लड़कियों को निकाला और जितना भी सोना चांदी था जब उसको लेकर के वो गए थे। ये लुटेरा बतलाते हैं, वो लुटेरा नहीं, एक बहन बेटियों की इज्जत बचाने वाला इस्लाम मजहब का सिपाही थे। और ये मुस्लिमों को बदनाम करते हैं क्योंकि मुस्लिम ही एक ऐसी एक सभा है, एक जमात है जो न्याय की बात करता है, समानता की बात करता है, ऊंच नीच को ख़त्म करता है, पाखंडवाद के खिलाफ बोलता है, शिक्षा की बात करता है। लेकिन इन लोगों को जो आज समाज में बैठे हुए हैं इनको हजम नहीं है। आज देखिए जो मीडिया है, जो आतंक मचा रहा है, जिसने देश पर फिलिस्तीन पर कब्जा किया हुआ है, ये उसकी बात कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, उसका साथ क्यों दे रहे हैं बतलाइए मीडिया। हमारे देश में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मणिपुर में हो रहा है, उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? हैं, अभी बहन बेटियों के साथ में कोई भी हमारे दलितों के साथ में अभी योरा मेरठ में वहाँ भी मूत्र विसर्जन कर दिया, क्यों किया भाई? मध्य प्रदेश में किया, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? वो मीडिया कहाँ सो जाता है? तो आप इसके ऊपर गौर करें और इसके ऊपर बहुजनों की बात करें, बहुजनों को जगाएं, बहुजनों को जगाने वाला बने। जय भारत, जय संविधान, ये मेरी आशा और उम्मीद है आप लोगों से। शुक्रिया। तो 2014 के पहले मीडिया भारत की मीडिया होती थी, जनता की मीडिया होती थी, लेकिन उसके बाद एक दौर आया जहाँ मीडिया एक सरकार की मीडिया हो गई, एक किसी व्यक्ति की मीडिया हो गई और ऐसे चलने लगा है भारत। और मीडिया जो है वो किसी की महिमा मंडन करने में व्यस्त है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।